हेलो स्टूडेंट्स आपके लिए लेवल वन क्वेश्चन नंबर वन ये है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन नाइन एक्स स्क्वेर प्लस एट एक्स के प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो हैज़ इक्वल रूट्स इज आपके चार ऑप्शन हैं ओनली थ्री ओनली माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री या नाइन स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू ऑफ के पूछी गई थी आपको एक इक्वेशन भी दिया गया था और बोला था इक्वल रूट्स याद रखना है जब भी हमें बोला जाता है इक्वल रूट्स उसका मतलब होता है कि डी शुड बी इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो यानी कि इसमें हमें अपना वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है तो पहले ए बी सी की वैल्यू पता कर लेते हैं ये देखिए ए की वैल्यू नाइन है बी की वैल्यू एट के है सी की वैल्यू सिक्सटीन है ये सारी वैल्यू हमें हमारे इक्वेशन से मिल जाएंगी सारी वैल्यू सब्सिटीट्यूट करने के बाद एट के स्क्वायर माइनस फ़ोर इंटू नाइन इंटू सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो सिक्सटी फोर के स्क्वायर माइनस फाइव सिक्स इज़ टू जीरो फ़ाइव सिक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं सिक्सटी फ़ोर से डिवाइड कर देते हैं आपके पास नाइन आएगा रूट ऑफ नाइन आपका आंसर आएगा प्लस माइनस थ्री यानी कि इस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू इज दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास चार ऑप्शंस हैं x minus 3 by x is equal to 3, 3x minus 5 by x is equal to x square, x plus 1 by x is equal to 3, and x square minus 3 is equal to 4x square minus 4x. बच्चों क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन चलिए देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वारिटिक इक्वेशन अगर किसी को क्वारिटिक इक्वेशन होना है तो उसको ये इक्वेशन फॉलो करना पड़ता है कौन सा वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने क्या किया है चारों को फर्दर सॉल्व कर दिया है यहां पर आपके सामने देखिए ए का आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स 3 ये एक के फॉर्म में दिखाई दे रहा है उसके बाद आ जाते हैं बी ऑप्शन ऑप्शन बी को फाइनली सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर एक्स की थ्री हो गई है ऑप्शन नंबर सी को भी हमने सॉल्व किया उसका भी हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्स एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है Last वाला ऑप्शन तो उसका आंसर भी आ रहा है थ्री एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो जो कि एकदम क्लियरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है सो आउट ऑफ ऑल फोर ऑप्शंस च वन ऑफ देम इज नॉट अ क्वाडरेटिक इक्वेशन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ क्वाडरेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थ्री है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाडरेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वेर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आपके चार ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व x इज इक्वल टू थ्री बाई टू एंड x इज इक्वल टू माइनस थ्री चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या सोल्यूशन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन सोल्यूशन का मतलब होता है अगर मैं वो वैल्यू उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं तो एल एच एस विल बी इक्वल टू आर ये बात याद रखिएगा पहले देखते हैं x इज इक्वल टू टू जब मैंने सब्सटीट्यूट किया अपने इक्वेशन में तो मुझे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस आया फोर नॉट इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व सब्सिटीट्यूट करने पर मुझे आया टू सेवेंटी विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो ऑप्शन नंबर थ्री जब मैंने थ्री बाई टू सब्सटीट्यूट किया तो मुझे फाइनली आंसर आ गया जीरो और जब डी को सब्सटीट्यूट किया तो आंसर आया नाइन विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो तो इनमें से किसको को सब्सटीट्यूट करने पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आया यानी कि आंसर जीरो आया इज ऑप्शन नंबर सी सो इस क्वेश्चन का आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर इज इक्वल टू थ्री बाय टू इज अल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज अ रूट ऑफ द क्वाडिटिकवेशन के एक्स स्क्वेर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इज आपके चार ऑप्शन हैं ए माइनस वन बी माइनस टू सी टू एंड डी माइनस थ्री बाई टू स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हमें के की वैल्यू पता करनी है फॉर विच एक्स माइनस टू इज अ रूट जब हमें बोल दिया है कि x माइनस टू एक रूट है तो हम क्या करेंगे x माइनस टू को जहां पर x है वहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं so सो ये देखिए हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है और उसके बाद ये हो गया है टू का स्क्वायर फोर फोर के माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो फोर के माइनस एट इज इक्वल टू जीरो फोर के इज इक्वल टू एट डिवाइड कर दिया है सो so के की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ गई है टू यानी कि द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टू हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर यू The value of p so that the quadratic equation x square plus 5px plus 16 is equal to 0 has no real roots. And your options are p is greater than 8, p is less than 5, p is greater than minus 8 by 5 and less than 8 by 5, or x is greater than or equal to minus 8 by 5 and less than. जीरो सो दीज आर फोर ऑप्शन स्टूडेंट्स आंसर नंबर फाइव फॉर नो रियल रूट्स यू नो ऑल नो द कंडीशन इज डी इज लेस देन जीरो दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो पहले ए बी सी पता कर लेते हैं हमारे इक्वेशन में से ए वन आया है बी फाइव पी आया है और सी सिक्सटीन आया है सब्सटीट्यूट किया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में और आपको फाइनली पी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर ट्वेंटी फाइव जो कि अंडर रूट ऑफ 64 फोर बाय ट्वेंटी फाइव सिक्सटी का रूट होता है 8 और 25 का 5, सो so आपका आंसर आया है प्लस माइनस 8 अपॉन फाइव इसका मतलब जो हमारे एक्स की जो वैल्यू है दैट इज बिटवीन माइनस एट बाय फाइव एंड बिटवीन 8 बाय फाइव जो कि है ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स

So, आपने क्या करना है माइनस वन को अपने इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेना है एक्स की जगह फाइनली सॉल्व करके आपको इक्वेशन मिल जाएगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा दूसरी तरफ आपने x इज इक्वल टू माइनस टू को भी सब्सटीट्यूट कर लेना है और फाइनली आपके पास आ जाएगा इक्वेशन फोर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू सिक्स ठीक है आपके पास दो इक्वेशन आ गई है आपने वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह एक के नीचे एक लिखना है और सॉल्व करके P का वैल्यू आ जाना है वन और Q का वैल्यू आ जाएगा टू एक बार आपके पास P और Q का वैल्यू आ गया तो आपको Q माइनस पी कैलकुलेट करना है जो कि नथिंग बट वन आ जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो कि आंसर है वन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरोन वॉट इज दैल्यू ऑफ एक्स प्लस हैं माइनस टू माइनस फाइव फाइव एंड थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन को इस तरीके से सॉल्व करना है आपके पास एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आपको थ्रू आउट चार पूरे का पूरा डिवाइड करना है एक्स के साथ सो बाय एक्स देखिए यहां पे एक्स और एक्स कट, कट गया है, है. दूसरी तरफ ले जाऊंगा और आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स इसी की तो वैल्यू हमें पता करनी है एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू फाइव यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फाइव स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट इफ ए माइनस थ्री इज इक्वल टू टेन अपॉन एन वॉट इज दैल्यू ऑफ ए ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है आपके ऑप्शन हैं फाइव कॉमा जीरो फाइव कॉमा टू माइनस फाइव कॉमा टू एंड फाइव कॉमा माइनस टू स्टूडेंट्स आंसर एट है सबसे पहले जो गिवन कंडीशन हमको दी थी हमने वो लिख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ए वहां जाकर के ए माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टेन को भी इस तरफ ले आते हैं माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो एक बार आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसका सम माइनस थ्री है और प्रोडक्ट आपका माइनस टेन है दो नंबर्स जो हमने चूज किए हैं वो है माइनस फाइव और प्लस टू फैक्टराइज कर दीजिए अल्टीमेटली आपको ए की वैल्यू फाइव और ए की वैल्यू माइनस टू आपको मिल जाएगी यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फाइव कॉमा माइनस टू फाइव कॉमा माइनस टू ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो आर माइनस ए कॉमा माइनस बी द वैल्यू ऑफ के इज सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के योर ऑप्शन वन वन टू एंड माइनस टू स्टूडेंट्स आंसर टू क्वेश्चन नंबर नाइन इज दिस देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर लिख लिया है आपके पास बोला है ये दोनों उसके रूट्स हैं रूट्स का मतलब होता है कि अगर मैं एक्स की जगह माइनस ए सब्सटीट्यूट करूं या माइनस बी सब्सटीट्यूट करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो तो हम क्या करते हैं एक्स की जगह पर माइनस ए सब्सटीट्यूट कर देते हैं जहां जहां भी एक्स होगा वहां वहां पर माइनस ए सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो चलिए हमने कर दिया आगे सॉल्व कर दिया माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया के ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बना क्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फाइनली स्टूडेंट्स के की वैल्यू वन आ जाती है सो क्वेश्चन नंबर नाइन का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो इज वन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के हमें के की वैल्यू निकालनी है लेकिन याद रखना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के आपके चार ऑप्शन है माइनस सेवन सेवन फोर एंड एट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को कैसे सॉल्व करेंगे आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एल्फा प्लस बीटा आपको पता है सम ऑफ द रूट हमेशा होते हैं माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू इक्वेशन में अगर मैं डालूंगा तो माइनस के आएगा इसको इक्वेशन वन डाल के छोड़ देंगे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द रूट यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन दी हुई है वो बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर टू अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमारे पास है सी बाय उसकी वैल्यू भी ट्वेल्व ऑलरेडी इक्वेशन से हमने पता कर लिया है ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर अब सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना एक ये वाला आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इसमें आपने क्या करना है अल्फा बीटा की जगह इक्वेशन थ्री से अल्फा बीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है एल्फा माइनस बीटा की जगह इक्वेशन टू से एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू डाल देनी है एल्फा प्लस बीटा की जगह इक्वेशन वन से माइनस के सब्सटीट्यूट कर देना है वैल्यू ऑफ के स्क्वायर यहाँ पे देखिए के स्क्वायर फोर्टी नाइन और के का वैल्यू रूट फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का रूट प्लस सेवन माइनस सेवन दोनों होता है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको कौन सी वैल्यूज बतानी है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के सो इसका सही जवाब होगा के प्लस सेवन सो क्वेश्चन नंबर टेन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो कि है सेवन हेलो बच्चों वेलकम बैक आज हम कर रहे हैं लेवल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है इफ वन अपॉन टू इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ के इज आपको के की वैल्यू इसमें पता करनी है और हमारे पास चार ऑप्शंस यहां पर दिए हैं ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू माइनस टू सी इज इक्वल टू वन बाय फोर एंड डी इज इक्वल टू वन बाई टू चलिए स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन टू गेट द वैल्यू ऑफ के अगर हमें के की वैल्यू चाहिए तो हमें वन बाई टू को इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा चलिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आगे करना है वन बाय टू का स्क्वायर प्लस के इंटू वन बाय टू माइनस फाइव बाय फोर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर वन बाय फोर हो जाएगा के इंटू वन बाय टू के बाय टू हो जाएगा माइनस फाइव बाय फोर इज इक्वल टू जीरो आगे हम निकाल लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर आ जाएगा फोर और ऊपर आ जाएगा वन प्लस टू के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो फोर दूसरी तरफ जाकर के जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो बन जाता है और आपके पास बच जाता है टू के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो माइनस फोर को दूसरी तरफ ले गए के इज इक्वल टू फोर फाइनली हमारे पास के की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आ गई है टू के की वैल्यू आ गई है टू के इज इक्वल टू टू यानी कि हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स लेवल टू क्वेश्चन नंबर टू ये रहा क्वेश्चन है क्वेश्चन है वैल्यू value या वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द्वार इक्वेशन टू एक्सर माइनस के एक्स प्लस टू जीरो है और एक से ज्यादा भी हो सकती है आपके चार ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू फोर सी इज इक्वल टू एट एंड डी इज इक्वल टू जीरो चलिए वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और आंसर अटेम्प्ट करिए बच्चों दिस इज दी आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू लेवल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में पहले ए बी और सी की वैल्यू देखते हैं ए की वैल्यू है टू बी की वैल्यू है माइनस के सी की वैल्यू है के फॉर इक्वल रूट क्वेश्चन में बोला था फॉर इक्वल रूट यू ऑल नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डी हैज टू बी इक्वल टू जीरो सो डी इज जीरो और डी कैसे निकलता है डिस्क्रिमिनेंट इज नाथिंग बट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये देखिए हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो ले लिया बी की जगह माइनस के K का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू के इज इक्वल टू जीरो टू जीरो इसको फिर हमने करना है आगे फैक्टराइज के स्क्वायर माइनस एट के इज इक्वल टू जीरो को फैक्टराइज किया सो so आंसर आया के इन के माइन माइनस एट सो आइदर के विल बी इक्वल टू जीरो और k के विली इक्वल टू एट तो हमारे पास माई डियर स्टूडेंट्स यहां पर k के दो आंसर आए हैं एक है जीरो और एक है एट तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जीरो आई होप आपका ये आंसर सही आया होगा चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री ये रहा हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट में है उसके बाहर भी एक और स्क्वायर है माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन हमें दिया गया है और पूछा है इट हैज फोर रियल रूट्स या टू रियल रूट्स या नो रियल रूट्स या वन रियल रूट्स वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और अपना आंसर जरूर रजिस्टर करिए स्टूडेंट्स आंसर थ्री देखते हैं क्या है हमारे पास देखिए इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क् टू जीरो अगर आपको पता होगा तो एक आइडेंटिटी ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी है आइडेंटिटी है ऊपर लिखी है ए प्लस बी द होल स्क्वायर एंड यू ऑल नो दैट इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगानी है और जब आपने आइडेंटिटी लगा के इसको ओपन कर दिया तो वो बन गया एक्स टू दावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया था माइनस एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स को साथ में ले जा करके हमने माइनस किया टू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ गया एक्स टू दावर फोर आ गया और वन आ गया अब यहां पर देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन नहीं है एक्स टू दावर फोर है तो हमने क्या करना है हमने बोला लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है फिर हमने क्या कर दिया दोनों साइड कर दिया स्क्वायरिंग सो so, x टू दी पावर फोर कितना बन जाएगा स्क्वायर यानी जहां पर x टू दी पावर है वहां मैं वाई स्क्वायर डाल सकता हूं और जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर मैं वाई सब्सटीट्यूट करता हूं तो देखिए किस तरीके से ये जो हमारा इक्वेशन था एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है अब वो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट हो गया जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चलिए ए बी और सी की वैल्यू यहां हमने लिख ली है डी की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप सबको पता है का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन वन माइनस फोर माइनस थ्री माइ डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आई है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस थ्री आई है और आपको पता है जब भी डी की वैल्यू जीरो से कम आती है देन वी हैज नो रियल रूट्स इसके कोई रियल रूट्स नहीं है तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा ऑप्शन इस बार नो रियल रूट्स यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर डियर स्टूडेंट्स फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए और रूट्स निकालिए आपका क्वेश्चन ये रहा एक्स प्लस टू रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो डेफिनेटली आपको मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है यहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रूट देखते ही घबरा जाते हैं सो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको यह क्वेश्चन दिया गया है प्लीज प्रोसीड अहेड हमारे पास चार ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहे हैं ए माइनस रूट टू कॉमा थ्री रूट टू बी टू कॉमा थ्री रूट टू सी रूट टू कॉमा माइनस थ्री रूट टू और ऑप्शन नंबर डी थ्री कॉमा फोर रूट थ्री इसको सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करिए और जरूर बताइए कि आपका इनमें से कौन सा आंसर आया माई डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर का सल्यूशन यहां पर मैंने आपके लिए दिया हुआ है ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस सिक्स ये हमारा इक्वेशन दिया था पहली चीज जो आपको करनी है वो है ए बी और सी की करेक्ट वैल्यू निकालना तो यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है वन बी की वैल्यू है टू रूट टू और सी की वैल्यू है माइनस सिक्स एक बार आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है तो आपको क्या करना है वो वैल्यू को डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड में सब्सटीट्यूट कर देना है फॉर्म्यूला आपको याद होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए ये हमारा फॉर्मूला है इसमें आपने जितनी भी ऊपर ए बी और सी की वैल्यू है वो सब सब्सटीट्यूट करनी है देखिए आगे क्या आता है आगे आ गया है माइनस टू रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट टू रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस सिक्स होल डिवाइडेड बाय टू इंटू वन जिसको फर्दर सॉल्व करके रूट थर्टी टू आ जाता है कुछ बच्चे क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना है थर्टी टू का रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए दो दो के पेयर बनते हैं बाहर निकालिए है। तो जो आपका रूट थर्टी टू है वो बन जाएगा फोर रू टू अब देखिए कितना आसान हो गया फोर रूट टू माइनस टू रू टू आपका आंसर आ जाता है टू रू टू डिड बाई टू 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 कट गया तो आपका आंसर आ जाता है रूट टू बट याद रखिए क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में प्लस कॉमा माइनस होता है यानी एक बार आपको प्लस लेकर के करना है और एक बार आपको माइनस लेकर के करना है जब माइनस टू रूट टू माइनस फोर रूट टू करेंगे माइनस सिक्स रूट टू बाई टू आ जाएगा टू थ्रीजा कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस थ्री रूट टू यानी माइडियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही जवाब जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है ऑप्शन नंबर सी रूट टू कॉमा माइनस थ्री रूट टू तो माइडियर स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ देखते हैं उस क्वेश्चन ने आपके लिए क्या चैलेंज लेके रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव माय डियर स्टूडेंट्स फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बायूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि एक और क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको भी सॉल्व करना है और बिल्कुल सही इसमें दोनों ही डिफिकल्ट चीजें दी हुई हैं रूट भी इन्वॉल्व किया है मैंने और साथ में फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व किया है बहुत सारे बच्चे रूट और फ्रैक्शन को देख करके अनोइंगली बिल्कुल गिव अप कर देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपके चार ऑप्शन भी यहां पर दिए गए हैं वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और चेक करिए कि आपका इनमें से आंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स आंसर नंबर इज दिस गिवन इक्वेशन आपके पास है रूट इलेवन एक्स प्लस टू जीरो सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूला मेथड में आपको पता है ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है तो ये लीजिए ए की वैल्यू वन बाई टू है बी की वैल्यू माइनस अंडर रूट इलेवन है और सी की वैल्यू वन है इन तीनों को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करना फाइनली कर आप जब सॉल्व करेंगे आप यहां पर पहुंच जाएंगे डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा और ऊपर बचेगा रूट इलेवन प्लस माइनस रूट नाइन रूट नाइन की वैल्यू आप सबको पता है थ्री हो जाती है यानी कि हमारे दो आंसर यहां पर हो जाएंगे अंडर रूट इलेवन प्लस थ्री और दूसरा अंडर रूट इलेवन माइनस का सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर रूट प्लस थ्री एंड अंडर रूट अंडर रूट इलेवन प्लस थ्री एंड अंडर रूट इलेवन माइनस थ्री आई होप आपका आंसर राइट right होगा चलते हैं आपके अगले चैलेंज की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ डियर क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके भी आपको रूट निकालने हैं बट इस बार मेथड आपका फॉर्मूला मेथड नहीं है इस बार आपने फैक्ट्राइजेशन यूज करके इसका आंसर निकालना है आपका क्वेश्चन है थ्री रूट टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और आपके चार ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं प्लीज पॉज द वीडियो सॉल्व दिस एंड रिपोर्ट द आंसर चलते हैं इसका आंसर देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल थ्री रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 1x minus root 2 is equal to zero यानी कि आपको पता है जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें जो मिडिल टर्म होती है यानी जैसे इस क्वेश्चन में हमारा मिडिल टर्म था minus 5x so minus 5x को हमने स्प्लिट करके लिखा है minus 6 plus 1 में स्प्लिट किया है बाकी आगे की चीज देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा उसके बाद ये जो six है six को हमने लिखा है थ्री इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू एक्स बिकॉज रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है रूट टू इंटू रूट टू हो जाता है टू और टू सा क्या हो जाता है सिक्स सो so, आप सिक्स एक्स को माइनस सिक्स एक्स को माइनस थ्री इंटू रूट टू इंटू रूट टू एक्स इस तरीके से लिख देते हैं जिससे क्या है कॉमन निकालने में आसानी होगी सो so, पहले दो टर्म में थ्री रूट टू एक्स कॉमन निकल गया अंदर बचा x माइनस रूट टू दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस रूट टू बचा बाहर कॉमन निकला वन सो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाता है थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मैं वन को दूसरी तरफ ले गया माइनस वन बन गया फाइनली एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू बच्चो यहां पर हम इसको करेंगे रैशनलाइज ठीक रूट टू से मल्टीप्लाई किया रूट टू से डिवाइड किया ठीक है आपको यहां दिख नहीं रहा होगा वन बाय थ्री रू टू वन बाय थ्री रू टू इंटू आप ऊपर भी रूट टू नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फाइनली बच जाएगा रूट टू बाय सिक्स ठीक है ऊपर आपके पास आ गया माइनस रूट टू और नीचे रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया टू थ्री जिक्स हो गया डियर स्टूडेंट्स एक आंसर आपको आ गया माइनस रूट टू बाय सिक्स जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दूसरा देख लीजिए एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो था यानी एक्स इज इक्वल टू रूट टू यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माइनस रूट टू बाय सिक्स एंड रूट टू आई होप आपका यह आंसर सही होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेवन फॉर यू रूट ऑफ द quadratic इक्वेशन यूजिंग quadratic फॉर्मूला method. फिर से आपके पास एक रूट वाला क्वेश्चन दिया है फॉर्मूला मेथड से आपको लगाना है चार ऑप्शंस आपके पास यहां पर दिए गए हैं ये तो आपको बाद में देखने हैं पहले क्वेश्चन लीजिए और इसको ए बी सी निकालिए फॉर्मूला डालिए और सॉल्व करिए मैं आपसे मिलता हूं इसके सल्यूशन में हाँ स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट फाइव एक्स माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू है वन बी की वैल्यू है फाइव रूट फाइव सी की वैल्यू है माइनस सेवेंटी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए आपके पास आएगा अंडर रूट फोर जीरो फाइव अंडर रूट फोर जीरो फाइव को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दो दो के पेयर बन के उनको बाहर निकालिए तो ये रिड्यूस हो जाएगा नाइन रूट फाइव आगे आपके पास माइनस फाइव रूट फाइव था नाइन रूट फाइव माइनस फाइव रूट फाइव आपके पास बचता है फोर रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू जो कि टू टू जा कैंसिल हो जाता है और आपके पास आंसर आ जाता है टू रूट फाइव दूसरी तरफ एक बार आपको माइनस के साथ भी करना है सो माइनस फाइव रूट फाइव माइनस नाइन रूट फाइव बन जाता है माइनस फोर्टीन रूट फाइव बाई टू टू सेवनजा कैंसिल हो जाता है तो आपका दूसरा आंसर आ जाता है माइनस सेवन रूट फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर डी माइ डियर स्टूडेंट जिसका सही जवाब है टू रूट फाइव कॉमा माइनस सेवन रूट फाइव आई होप दें क्लियर टू एवरीबडी लेट एस मूव ऑन टू दैलेंज द्वेश्चन नंबर एट स्टूडेंट आपका चैलेंज यहां पर है क्वेश्चन नंबर एट ये एक वर्ड प्रॉब्लम है तो चलिए मैं वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए पढ़ देता हूं फाइंड अचुरल नंबर आपको एक नेचुरल नंबर पता करना है हुएर डिमिनिश्ड बाई एटी फोर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एट मोर द गिवन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला है इसको दो तीन बार ध्यान से पढ़िए आपके ऑप्शन है नाइन ट्वेल्व माइनस नाइन और माइनस ट्वेल्व इसको वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए आंसर अटेम्प्ट कीजिए मैं आपसे मिलता हूं आंसर पर बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द नेचुरल नंबर बी एन हमने नेचुरल नंबर को एन मान लिया नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला था देखिए क्वेश्चन में बोला था हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 का मतलब होता है एन स्क्वायर माइनस एट्टी ठीक है इज इक्वल टू वापिस आ जाते हैं इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एट मोर देन द गिवन नंबर थ्राइस ऑफ एट मोर देन द नंबर एट मोर देन द नंबर मतलब एन प्लस एट और उसका थ्राइज मतलब मल्टीप्लाई बाय थ्री सो अगर तो आपने ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये स्टेटमेंट प्रॉपरली लिख ली तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा सॉल्व आगे देखते हैं एन स्क्वायर माइनस एट्टी फोर थ्री के साथ दोनों को मल्टीप्लाई थ्री इंटू एन थ्री इंटू एट थ्री एन प्लस ट्वेंटी फोर बन गया फिर आप उसको आगे एक तरफ लेकर के आ जाइए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अब आपके पास चॉइस है आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लो या फिर फॉर्मूला मेथड से कर लो ठीक है फैक्ट्राइजेशन से सॉल्व कर लो फॉर्मुला मेथड से सॉल्व कर लो चॉइस आपकी है फाइनली आपके पास दो आंसर आ जाएंगे एंड जैसा आप देख रहे हैं माइनस नाइन यहां पर कट किया हुआ है क्यों क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए नेचुरल नंबर वन से आगे होते हैं नेगेटिव में नहीं होते माइनस नाइन कैंसिल हो गया आपके पास सिर्फ एन की एक ही वैल्यू बची जो कि है ट्वेल्व यानी कि माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्व चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइन का चैलेंज ये रहा आपके सामने बड़ा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आपके दिमाग को हो सकता है थोड़े से चक्कर में डाल दे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है एट टी मिनट्स पास्ट टू पी एम द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो थ्री पी एम वॉज फाउंड टू बी थ्री मिनट्स लेस देन टी फाइंड इट मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूं आपके लिए फिर से आपके चार ऑप्शन हैं टी एटीन मिनट्स टी माइनस टी सिक्स मिनट्स देखिए चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आपके लिए सही बैठते हैं वीडियो को यही पॉज कीजिए अटेम्प्ट कीजिए मैं आपसे मिलता हूँ आंसर पे स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप कर पाए होंगे पर अगर नहीं कर पाए सो डोंट वरी मैं दूंगा आपको इसका आंसर ये देखिए आंसर नंबर नाइन टाइम टेकन बिटवीन 2 पीएम एम यहां टू पी और 3 पीएम के बीच की बात चल रही है 2 पीएम से 3 पीएम के बीच में होता है वन आवर यानी कि टोटल होते हैं 60 मिनट्स और क्वेश्चन में लिखा हुआ था टी प्लस ठीक है देखिए कहां लिखा था मैं आपको बताता हूं ये देखिए बोलता है एट टी मिनट्स पास्ट टू पी मतलब दो पी से आगे टी मिनट्स टी प्लस ठीक है और आगे क्वेश्चन में क्या था थ्री मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय फोर थ्री मिनट्स लेस मतलब माइनस थ्री टी स्क्वायर बाय फोर ये दोनों मिला करके आपको पता है कितना हो जाता है सिक्सटी हो जाता है आगे तो आपको नॉर्मल सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के आप जिस तरीके से चाहे सॉल्व कीजिए। फाइनली यू विल एंड अप गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लीजिएगा, आपका क्वाड्रेटिक आना चाहिए। t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 252 इज इक्वल टू जीरो। एक बार आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, उसको आपने फैक्टराइज कर देना है। या तो उसको आपने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेना चॉइस आपकी है आ जाता है टी प्लस एटीन टी माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो का सही जवाब यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी फोर्टीन मिनट्स सो माई डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं आज के चैलेंज के लास्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर टेन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन is again a word problem. चलिए देखते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 सिक्सटी किलोमीटर वुड हैव टेकन फोर्टी एट मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर फाइव किलोमीटर पर आवर मोर एक ट्रेन की बात चल रही है जो कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और 48 मिनट टाइम वो कम लगाती अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो बुलाए फाइंड दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है आपके चार चॉइसेस 25 किलोमीटर 35, 50 और 45 किलोमीटर पर आवर है मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको ध्यान से दिख सके प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए मैं मिलता हूं आपसे आंसर वाली स्लाइड

आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ये जरूर मैच कर लीजिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बस इसको देखिए और कॉपी कर लीजिए आपको एक बार मेथड समझ में आता है तो आपको अपने आप से इसको वीडियो को पॉज करना है और आगे का पार्ट अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपका इक्वेशन है एक्सक्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस डबल टू फाइव जीरो इज इक्वल टू जीरो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सॉल्व करिए आपके दो आंसर आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी और एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती माइनस फिफ्टी को ये देखिए कैंसिल कर दिया है यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर और ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी सो माई डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर इसका सही जवाब है आई होप यू मस्ट हैव लाइक दैवल टू आई विल सी यू इन लेवल थ्री क्वाड्रेटिक्स तब तक के लिए दिस इज हेमंत सर साइनिंग ऑफ